अच्छा, 10वीं मैथमेटिक्स, इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी परीक्षा में आने के सर्वाधिक चांसेस हैं। ठीक, यहाँ से पेपर आपका 100% आएगा ही। सबसे पहले हम बात करेंगे 3 अंकों के प्रश्न और 4 अंकों के प्रश्न पर। तो आपको बता दें, आपका जो चैप्टर 3 है, यहाँ से आपको 4 नंबर का एक प्रश्न आना है। जो अध्याय 13 है, पृष्ठीय क्षेत्रफल से संबंधित, यहाँ से आपको 4 नंबर का प्रश्न आना है। और अध्याय 14 से सांख्यिकी से आपको 4 नंबर का प्रश्न आना है। ठीक है, 9 अध्याय से जहाँ त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हैं, जिससे मीनार से संबंधित सवाल है, खम्भे से संबंधित सवाल है, यहाँ से 3 नंबर का प्रश्न आएगा। और अध्याय 10 जो वृत्त है, यहाँ से एक थ्योरम प्रमेय 100% आएगा, 3 नंबर का। और 12 अध्याय से भी 3 नंबर का। ये 6 चैप्टर हैं जिससे हम महत्वपूर्ण प्रश्न की आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो क्लास प्रारंभ करते हैं। देखिए, यहाँ पर अध्याय सबसे पहले हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, अध्याय 14 को ले रहे हैं। अध्याय 14 में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 प्रकार के सवाल हैं, प्रेक्षणों का माध्य, प्रेक्षणों के का माध्यक और बहुलक। यहाँ से एक सवाल आपको जरूर आना है। लिखा गया है, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए हैं। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न है, इसमें कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि लघुत्तर विधि से करना है या प्रत्यक्ष विधि से करना है। ऐसा प्रश्न आता है तो आप विधि के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से करें, चाहे आप प्रत्यक्ष विधि से करें या पद विचलन विधि से करें। तो ऐसे प्रश्नों में जहाँ पर वर्गांतर छोटा होता है, प्रत्यक्ष विधि अधिक कारगर होती है और सरल होती है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि वर्ग अंतराल हमें तैयार करना है, तो हम वर्ग बनाएंगे। यहाँ पर वर्ग लिखिए, आप यहाँ पर वर्ग बनाएंगे। वर्ग दिया हुआ है कितना है अपने पास, 0 से 2 लिखा हुआ है, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। यहाँ पर देख पा रहे हैं सभी विद्यार्थी, इस प्रकार से ये हमने क्या तैयार कर लिया, यहाँ पर वर्ग अंतर तैयार कर लिया, वर्ग। इसके बाद हमें जो दूसरा जो कॉलम दिया जाता है, हमेशा जो घरों की संख्या लिखी है, ये कहलाती है आपकी बारंबारता, बारंबारता, जिसको हम स्मॉल एफ से शो करते हैं। चलिए, यहाँ हम एफ आई भी लिख सकते हैं। आई का मतलब होता है क्रम से जो अपने पास प्रेक्षण आ रहे हैं, इनको हम 1 2 3 4 करके रख दें तो आई का मान 1 2 3 4 बन जाता है। यहाँ पर आई लिख देते हैं, आपको कुछ ध्यान रखने की आवश्यकता नहीं, आई बस लिख देना है आपको। चलिए, अगला जो कॉलम आता है अपने पास मध्यमान, इसको हम लिखते हैं एक्स आई। इसको एक्स आई, इसको कैसे ज्ञात करेंगे अभी देखेंगे हम। सबसे पहले एफ आई जो हमें दिया है उसको लिख लें, 1, फिर लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 1, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 6, 2 और 3, इस प्रकार से। अब हमें निकालना है यहाँ पर एक्स आई। एक्स आई इस प्रकार से निकल, देखिए जो अपने पास वर्गांतर है, इसमें निम्न सीमा और उच्च सीमा, पहला भाग कहलाता है निम्न सीमा, दूसरा भाग कहलाता है उच्च सीमा। इन दोनों भागों को हम जोड़ेंगे, उच्च भाग को निम्न भाग को, तो 0 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2। फिर इसका हाफ कीजिए, इसका आधा कीजिए तो कितना आएगा अपने पास, 1 आएगा। 2 और 4 को जोड़िए, इसका योग ज्ञात कीजिए, 6 आएगा। 6 का आधा कीजिए तो कितना आएगा आपके पास, 3 आएगा। फिर 6 और 4 को ऐड करें तो कितना आएगा, 10। 10 का आधा आएगा आपके पास 5। चाहे तो हम यहाँ से भी डायरेक्ट पता कर सकते हैं, यदि इसका अंतर समान है, जितने भी वर्ग दिए हैं उनका यदि अंतर समान है तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम 2 2 का अंतर है, तो 2 2 बढ़ाते जाइए, 5 2 7 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 2 11, 11 और 2 13, इस प्रकार से आएगा। अगला जो कॉलम हमें निकालना है, वहाँ पर हमें बारंबारता और मध्यमान का गुणा करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई, इसका हम गुणा कर देंगे। गुणा देख लीजिए आप लोग, 1 का 1 से हम गुणा करेंगे, 1 ही आएगा। 2 का हम 3 में गुणा करेंगे, 6 आएगा। 1 का 5 में गुणा करेंगे हम, 5 आएगा। ठीक है, 5 का हम 7 में गुणा करेंगे, 35 आएगा। और यहाँ पर 9 का 6 में करेंगे, 54 आएगा। और यहाँ अपने पास 22 आएगा, और यहाँ 39। अब यहाँ पर हमें 2 कॉलम, जो 2 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे हैं, एफ वाला, यहाँ इसका टोटल निकालना है, योग ज्ञात करना है, सिग्मा एफ आई। सिग्मा जो समेशन का चिन्ह लगा है, ये हमेशा योग दर्शाता है, तो इसका योग ज्ञात करना है।
दूसरा यहाँ पर देखिए आप सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ इसका योग ज्ञात करना है। इसका योग ज्ञात कर लेंगे जो अपने पास आ गए यहाँ लिख लेंगे, और इसका योग ज्ञात कर लेंगे जो भी आ गए यहाँ पर लिख लेंगे। फिर हमें निकालना है माध्य, तो यहाँ पर हम एक शब्द लिख लेंगे अभीष्ट माध्य, वांछित माध्य भी लिख सकते हैं, अभीष्ट माध्य। अभीष्ट माध्य का मतलब ये होता है जो माध्य आपसे पूछा गया वही वाला माध्य। फॉर्मूला बन जाएगा एक्स बार इक्वल टू समेशन सिग्मा भी पढ़ सकते हैं एक्स आई इंटू एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई एक्स बार इक्वल टू। अब इसका टोटल निकालिए कितना आ रहा है अपने पास का, देख लीजिए आप एक दो तीन हो गया, तीन एक चार, चार और पाँच हम जोड़ देंगे नौ, छः कितना हो गया अपने पास पंद्रह और पाँच बीस, ये अपने पास बीस आ गया। यहाँ इसका मान क्या रख देंगे हम, बीस रख देंगे। अब इसका टोटल देख लीजिए कितना आ रहा है अपने पास, देख लीजिए एक और छः कितना सात कर लिया तो कितना आ गया एक सौ बासठ आ गया है। यहाँ एफ आई इसका योग ज्ञात किया तो कितना आ गया अपने पास बीस आ गया। चलिए यहाँ पर हम मान रख देते हैं इसका, तो एक सौ बासठ बटे में कितना आ गया बीस आ गया। इसको कट कर देते हैं तो यहाँ पर दस आ जाएगा, दो से कट करेंगे यहाँ पर कितना आएगा अपने पास इक्यासी आ जाएगा। अब यहाँ पर बचता है आपके पास इक्यासी में दस से हम भाग देंगे तो आठ दशमलव एक आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर आंसर अभीष्ट माध्य, यहाँ लिख देंगे। क्या पूछा गया था प्रश्न में, प्रश्न पूछा प्रति घर माध्य पौधों की संख्या, यहाँ लिख देंगे। अतः प्रति घर माध्य पौधों की संख्या बराबर 8.1, ये आपका आंसर है। इस प्रकार से आप सवाल करेंगे तो आपको पूरे चार अंक यहाँ पर दिए जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें अगला एक प्रश्न आपको समांतर माध्य से मिल सकता है, अज्ञात बारंबारता। एक प्रश्न हमेशा आता है अज्ञात बारंबारता, जैसा कि आपको प्रश्नावली 14.1 में अज्ञात बारंबारता का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर तीन में देख। चलिए देखिए प्रश्न लिखा है आपके पास, सबसे पहले यहाँ पर भी लिखा हुआ है वर्गांतर, तो वर्ग लिखिए आप यहाँ पर, वर्ग क्या है। चलिए 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ पर एफ आई के स्थान पर क्या लिखा है आपके पास 7, 6, 9, 13, यहाँ पर एफ और यहाँ पर 5 और ये 4। यहाँ पर लिखना है हमें क्या एक्स आई, जैसा अभी किया था अपन ने वैसे लिखेंगे एक्स आई, और यहाँ पर अगला कॉलम क्या आया था सेम टू सेम वही आएगा एफ आई इंटू एक्स आई किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें जब एक बारंबारता अज्ञात दी जाती है तो हमें यहाँ पर समांतर माध्य या माध्य पहले से दिया रहता है। तो समांतर माध्य कितना दिया गया यहाँ पर लिखा है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को दर्शाता है। माध्य जेब खर्च है 18 रुपये। यहाँ पर अपन को जो जेब खर्च है माध्य दिया गया है, माध्य बराबर यहाँ पर लिख देंगे माध्य बराबर 18 रुपये खर्च में दिया है, इसलिए इसमें क्या लिखेंगे हम 18 रुपये लिखेंगे, ये लिख दिया हमने यहाँ पर। चलिए ये हो गया। अब इसको हल करने का तरीका वही है, प्रत्यक्ष विधि से इसको हल करेंगे। तो 11 और 13 ये आपको मध्यमान निकालना है 11 और 13 के बीच में, तो 11 और 13 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा अपने पास, यहाँ पर देखिए ये लिखा हमने 11 और ये 13, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना आएगा आपके पास यहाँ पर 24। यहाँ पर लिखना है 24 का आधा लिखना है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे आ जाएगा आपके पास 12। अब आप देखिए कितने का अंतर है अपने पास 11 13 में, 2-2 का अंतर बढ़ रहा है, अब बढ़ाते जाइए तो 12 के बाद कितना आएगा 14 आ जाएगा, 14 के बाद 16 आ जाएगा, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, 20 के बाद 22 और 22 के बाद 24। इस प्रकार से आपका मध्यमान वाला कॉलम ज्ञात हो जाएगा। अब आगे चलिए हमें एफ आई इंटू एक्स आई ज्ञात करना है, तो दो भागों का गुणा करना पड़ेगा, एफ वाले कॉलम का और एक्स वाले कॉलम का। गुणा कीजिए 12 का 7 में गुणा करेंगे कितना आएगा 84 आएगा, 6 का इसमें गुणा करेंगे फिर से 84 आएगा,
16 को 9 में गुणा करेंगे 144 आएगा, ठीक है। 13 18 इसमें कर दीजिए कितना आएगा, 18 का 3 गुणा करेंगे 54 आएगा अपने पास, बचा 5, 18 का 18 5 की 234 आएगा। 20 का f में गुणा करेंगे तो 20 f आएगा, और यहां इसका गुणा करेंगे तो 110 आएगा, 4 का इसमें गुणा करेंगे तो 96 आएगा। अब यहां पे हमें फिर से दोनों कॉलम का योग ज्ञात करना है, एक सिग्मा f निकालना है यहां पर, सिग्मा f साफ कर दें, चलिए यहां पर सिग्मा f ज्ञात करना है, सिग्मा f i, ठीक है। और यहां पर क्या ज्ञात करना है हमें, इसका योग सिग्मा समेशन भी कह सकते हैं f i इनटू x i, इसको ज्ञात करना है। यदि कभी कभी क्या होता है हमें ये परीक्षण का योग दिया जाता है तो हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हमें दिया है प्रश्न में, इस प्रश्न में हमें योग नहीं दिया है तो हमें ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पर इसका ज्ञात कीजिए कितना आएगा अपने पास, 7 का 6 में हम जोड़ करेंगे, 7 6 13 आएगा, ठीक है। 13 13 यहाँ पर 26 हो गया, 26 30 हो गया, 30 35 हो गया, 35 और इसमें 9 जोड़ेंगे 44। तो एफ पहले से एफ प्लस लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 44। बहुत सारे बच्चे छोटी सी गलती कर देते हैं, इसको क्या लिख देते हैं बच्चे, 44 एफ लिख देते हैं, 44 एफ। तो 44 एफ में तो इसका मतलब ये हो गया कि जो अंक है हमने जोड़ दिए और एक फ्रिक्वेंसी जो गायब है अज्ञात है उसको हमने गुणा कर दिया। हम गुणा करने वाले नहीं, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, समेशन इसका योग ज्ञात कर रहे हैं। तो 44 प्लस एफ लिखेंगे या एफ प्लस 44 इंटू नहीं करेंगे, बहुत से बच्चे यहाँ पर ऐसा कर देते हैं। अब हमें इसका टोटल निकालना है, इसमें एक अज्ञात बारंबारता क्या है आपके पास, यहाँ पर 20 एफ है, यहाँ पर 20 एफ रहेगा ज्यों का त्यों प्लस। अब जो बाकी के अंक है 20 एफ को छोड़कर इन सबको हम जोड़ देंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इस 20 को भी ऐड कर देते हैं। अब 20 को ऐड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब आप देखिए जोड़ लीजिए, हम इसको फटाफट जोड़ देते हैं आपके पास। हमें जोड़ना है यहाँ पर 84 प्लस दोबारा से 84 प्लस 144 प्लस 234 प्लस फिर अपने पास 110 है, फिर अपने पास 96, तो हमने देखा 752, यहाँ पर कितना आ गया 752 आ गया। चलिए अब सूत्र जैसा हमने उसमें प्रयोग किया था वही करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, चूंकि, ठीक है, हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, समांतर माध्य भी लिख सकते हैं, माध्य अकेला भी लिख सकते हैं, समांतर माध्य एक्स बार बराबर सूत्र होता है अपने पास सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स बार की वैल्यू कितनी दी गई है हमें यहाँ पर, 18 दी गई है, तो एक्स को रिप्लेस करके इसके स्थान पर लिख देंगे हम 18, ये लिख दिया हमने। सिग्मा एफ आई और एक्स आई इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं अपने पास, ये लिखा हुआ है 20 एफ प्लस 752 बटे सिग्मा एफ आई का मान कितना है अपने पास, एफ प्लस 44। चलिए अब इसको हल करना है, तो 18 के बटे में कुछ नहीं तो क्या कर सकते हैं हम, एक कर सकते हैं। अब हमें करना है तिरकगुणा कीजिए, इसका एक में यहाँ कर देंगे, 20 का यहाँ कीजिए, कितना आएगा अपने पास, 20 का एक में किया तो यहाँ पर आ गया 20 एफ ज्यों का त्यों प्लस एक का 752 में करेंगे तो 752 ये ज्यों का त्यों आएगा बराबर 18 का एफ में करेंगे तो आएगा यहाँ पर 18 एफ और 18 का 44 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा अपने पास 792। यहाँ पर अब हम क्या करने वाले हैं, पक्षांतर से f को बाएं तरफ और जिसमें f नहीं है अचर संख्या है उसको दाएं तरफ। कैलकुलेटर कर लीजिए यहाँ पर कैलकुलेशन, 20 एफ ज्यों का त्यों लिखेंगे, माइनस 18 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 18 एफ। चलिए दाएं तरफ जाएंगे, अब अंक अपने पास 752 प्लस का है उस तरफ जाएगा माइनस का, ये माइनस का कर दीजिए। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ये, चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चों, 20 एफ में से 18 एफ को माइनस कर देंगे, यहाँ बचेगा 2 एफ बचेगा। चलिए यहाँ पर घटा दीजिए, 2 में से 2 को माइनस किया 0 आएगा, 9 में से 5 को किया 4 आएगा, 7 में से 7 एक 40, तो यहाँ पर एफ की वैल्यू आएगा 40 बटे में आ गया आपके पास 2, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 20। यही अज्ञात बारंबारता होगी, ये हमारा आंसर।
ये प्रश्न यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आशा है सबको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना है, हमें जो वर्गांतर दिए हैं, वर्ग दिए हैं, उनको क्रम से लिख लेना है। फिर हमें जो बारंबारता दिया है उस बारंबारता को लिखना है, जिसमें से एक बारंबारता अज्ञात है इसको भी हम लिख लेंगे। फिर तीसरे कॉलम में हम मध्यमान निकालते हैं, तो मध्यमान निकालने का तरीका है जो हमें वर्ग दिए हैं, पहला अंक निम्न सीमा कहलाती है, दूसरा अंक उच्च सीमा, तो निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ेंगे, उसका आधा कर देंगे, दो से डिवाइड कर देंगे और क्रम से लिखते जाएंगे। तीसरे वाले कॉलम में हमें एफ आई और एक्स आई से गुणा करना है, तो गुणा करने के बाद जो मान हमें यहाँ प्राप्त होता जाएगा लिखते जाएंगे, 7 से गुणा किया 84 आ गया, 6 और 14 से गुणा किया 84 आ गया, 9 और 16 से गुणा किया 44 आ गया, 13 और 18 से गुणा किया 34 आ गया, 20 से गुणा किया 20 आ गया, 5 का 22 से गुणा किया 34 आ गया, 4 का 24 से गुणा किया 96 आ गया। अब इसका मतलब लगा दिया, मतलब 2 के बराबर दिया, जो अज्ञात 12 वाला भाग है इसको पहले लिख देते हैं, प्लस कर देते हैं, अब जो शेष अंक बचते हैं सब छोड़ देते हैं। ऐसे यहां करते हैं, जो अज्ञात बारंबारता है अपने पास f, उसको पहले लिख दिया और प्लस लगा के शेष अंक को जोड़ दिया। बच्चे गलती यहां करते हैं, इसको 44 f लिख देते हैं, यहां पर क्या करते हैं f भी लिख देते हैं और 20 को भी इसमें जोड़ देते हैं। अब सूत्र क्या होता है आपके पास समांतर माध्य का, x बार बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। एक्स आई की वैल्यू हमें पहले से गिवन है 18 है, तो हमने यहाँ 18 रख दिया है। इसका जो मान है टोटल हमने निकाल चुके, यहाँ पर ये रख दिया, और यहाँ एफ आई का मान जो हमने निकाला है उसको हमने यहाँ रख दिया। त्रिकगुणा करेंगे इसका, त्रिकगुणा करने के बाद हमें जो प्राप्त होता है, तो पक्षांतर करके एफ का मान निकाल लेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पहली प्रश्नावली से 14.1। ये दो प्रश्न आप जरूर कर लीजिए, तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है। यदि बाय चांस यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता है, तो एक क्वेश्चन आपको आएगा माध्यक से। तीन प्रकार के प्रश्न यहाँ पर यदि हमने हल कर दिए, समांतर माध्य एक, माध्यक दो और बहुलक तीन। अब हम समझने वाले हैं यहाँ अगले में बहुलक, बहुलक को कैसे करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण, सबसे सरल प्रश्न, समांतर माध्य, माध्यक और बहुलक में सबसे आसान है यहाँ पर बहुलक। इसका पहला सवाल ही आपको चयनित करना है, यहाँ पर 14.2 से जो पहला क्वेश्चन है ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको देख लीजिए। मान के चलिए ये क्वेश्चन नहीं आता है, तो आपने यहाँ पर मेथड को समझ लिया, विधि को समझ लिया, तो कोई भी प्रश्न आएगा आपसे बन जाएगा बड़ी आसानी से। तो यहाँ पर देख लीजिए, वर्ग दिए हैं, आयु से संबंधित वर्ग है, तो हम सिर्फ यहाँ पर वर्ग लिखेंगे, आंसर में हम लिख देंगे कि आयु वर्ग था या क्या हमसे पूछा था उसको लिख देंगे। तो यहाँ देखिए वर्ग क्या दिया गया है आपको, वर्ग दिया है 5-15, इसको हम पढ़ते हैं 5 से 15, 15-25 मतलब 5 से 25, और अगला है 25 से 35 है, और अगला है अपने पास 35 से 45 है, और अगला है 45 से 55, और यहाँ पर 55 से 65, ये दिया गया है आपको। ठीक है बच्चों, अब आगे देखेंगे, यहाँ पर रोगियों की संख्या है, ये कहलाती है हमेशा बारंबारता, बारंबारता ये हमें यहाँ पर दी गई, इसको हम एफ लिखते हैं। तो कितना दिया है हमने, पहला 6 है, दूसरा 11 है, तीसरा 21 है, फिर 23 है, फिर इसके बाद 14 है, फिर इसके बाद 5। चलिए, इन सवालों में क्या है आपको, बहुलक वाले सवाल में कोई भी नया कॉलम आपको नहीं बनाना है, जो दिया गया है उसी कॉलम को आपको लिखना है। यदि नहीं लिखते हैं और सीधा हल कर देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले हमें इसका निरीक्षण करना है, अवलोकन करना है, अवलोकन करने के बाद हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना है। तो हम बारंबारता के प्रत्येक अंक को यहाँ बड़े गौर से और ध्यान से देखेंगे। पहला अंक हम देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 6। दूसरा अंक हमने देखा क्या लिखा हुआ है, 11। तीसरा अंक हमने देखा क्या लिखा हुआ है, 21। चौथा 23 लिखा है, और 14 और 5। इनमें से सर्वाधिक बारंबारता वाला परीक्षण कौन सा, सबसे बड़ा मान, हम कहते हैं जो सबसे बड़ा मान है मतलब वो नंबर वन पे है। ठीक है, जो सबसे ज़्यादा मान रखेगा, सबसे ज़्यादा अंक लाएगा, वो क्या कहलाता है, नंबर वन कहलाता है। तो यहाँ पर नंबर वन कौन है, तो नंबर वन हमने यहाँ पर देखा सबसे बड़ा मान यहाँ पर 23 जो हो गया नंबर वन। तो जो एफ का कॉलम था बारंबारता, तो इस बारंबारता में नंबर वन क्या हो गया आपके पास, 23 हो गया, 23 हो गया। ये 23 क्या हो गया आपके पास, यहाँ पर नंबर वन हो गया, तो हमने एफ वन लिख दिया। अब यदि आप काउंटिंग पढ़ो, गिनती पढ़ते हो आप, तो वन के पहले क्या आता है, 0, और वन के बाद क्या आता है, 2 आता है। ठीक है, इसी के हिसाब से आप लगा लीजिए, तो वन के जो ऊपर है तो ये कहलाएगा एफ 0, और जो वन के नीचे है वह कहलाएगा एफ 2। तो बड़ा क्रम बन गया 0, 1, 2, तो यहाँ हमें एफ के मान मिल जाएंगे। चलिए, तो हमें लिख देंगे हमें क्या क्या प्राप्त हो गया यहाँ पर। तो
यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। क्या बताने वाले यहाँ पर, चूंकि चूंकि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता, चूंकि यहाँ सर्वाधिक बारंबारता वाला परीक्षण, सर्वाधिक बारंबारता वाला परीक्षण क्या है भाई यहाँ पर, सर्वाधिक बारंबारता वाला परीक्षण 23 है, ठीक है। या सर्वाधिक बारंबारता क्या है यहाँ पर, 23 है, ठीक है। इसलिए अब बहुलक वर्ग पता करना है, जो अपने वर्गांतर दिए हैं उसमें से बहुलक वर्ग क्या कहलाएगा, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक है, ठीक है। इसलिए बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा अपने पास, 35 से 45। इसलिए बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए मान कौन कौन से, इसलिए अर्थात जैसा भी दिखा यहाँ पर, तो जो अपने पास बहुलक वर्ग है इसकी निम्न सीमा कहलाती है यहाँ पर L का मान, L लिख दीजिए, L बराबर कितना हो गया अपने पास 35। अब जो वर्गांतर हमें दिए गए हैं, वर्ग दिए हैं, प्रत्येक वर्ग का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, देखिए 5 से 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है 10, 15 से 25 के बीच में डिफरेंस कितना है 10, ये डिफरेंस है, ये कहलाती है वर्गांतर की ऊंचाई, ठीक है। तो वर्गांतर की ऊंचाई को हम क्या लिखेंगे, h, कितने का अंतर है 10 का, तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया h का मान। अब और कौन कौन से मान है अपने पास, f1 का मान आपको दिखाई दे रहा है कितना है भाई, जो नंबर 1 पे था 23, तो यहाँ पर हम 23 लिख देंगे। उससे पहले के मान को हम f0 लिखते हैं, तो कितना है अपने पास 21 है, और उसके बाद वाले को हम f2 लिखते हैं, तो f2 कितना है अपने पास 14। ये हमने सारे मान लिख दिए, बस अब आपको बहुलक का सूत्र याद रखना और यहाँ लिखना है अभीष्ट बहुलक, और बहुलक को हम दर्शाते हैं जेड से। सूत्र होता है अपने पास एल प्लस यहाँ पर एल प्लस और यहाँ पर F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये सूत्र हमें याद रखना है, क्योंकि सूत्र के बिना आप बहुलक का सवाल हल नहीं कर पाएंगे। चलिए ये सूत्र आपको याद हो गया, अब आप आराम से सवाल कर सकते हैं। देखिए Z बराबर L की वैल्यू क्या है आपको यहाँ पर देखिए 35 है, रख दीजिए, प्लस ब्रैकेट F1 की वैल्यू क्या है आपके पास 23, ये भी रख दीजिए, F0 इसकी वैल्यू क्या है 21, इसको रख दीजिए। अब ये यहाँ पर 2 है, F1 है, F1 को हम यहाँ पर इनटू लगा लीजिए, ब्रैकेट में वैल्यू रख देंगे, F1 की वैल्यू क्या है अपने पास 23 है, 23 है, 23 रख दीजिए, F0 है, F0 की वैल्यू 21 है, तो इसको 21 को रख दीजिए, और माइनस F2 की वैल्यू क्या है अपने पास 14 है, 14 है, तो 14 रख दीजिए, इनटू H की वैल्यू क्या है अपने पास, डिफरेंस 10 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 10। इस प्रकार से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, Z बराबर 35 प्लस 23 में से 21 को माइनस कीजिए, आपके पास कितना बचेगा 2, इनटू कितना हो जाएगा 10। चलिए नीचे देख लीजिए, इसको हम इनटू करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 46, 46 आएगा, माइनस माइनस की संख्या हमेशा जुड़ जाती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने पास माइनस का 35 आ जाएगा, 35 सही नहीं लिखा है, इसको देखिए 35 लिख लेंगे। चलिए ये आ गया अपने पास, अब इसको हम सॉल्व करेंगे और आगे क्या आएगा अपने पास 35 प्लस यहाँ गुणा कर दीजिए कितना आएगा 20 आ गया, और यहाँ पर हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 11। अब क्या करना है आपको यहाँ पर 35, अब 20 में आपको यहाँ पर 11 से भाग करना है, तो आप देख रहे हैं 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, 11 एकम 11 करना है, इसका मतलब है दशमलव में मान आएगा आपके पास, तो दशमलव में कितना आ जाएगा 1., बहुत सारे अंक रिपीट होंगे, 1.818 इस प्रकार से, तो जो अगला अंक हम छोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 कर देंगे और जोड़ भी दीजिए साथ में, तो कितना आएगा अपने पास यहाँ पर 36.82 ऐसा हम लगभग में लिख सकते हैं।
क्या पूछा गया था हमें, दिया क्या था यहाँ पर, यहाँ दिया था रोगियों की संख्या। तो ये हो गया अपने पास अधिकतम रोगियों की संख्या क्या हो जाएगी अपने पास 36.13, ये हो जाएगी इसमें, ये हमारा आंसर। बहुत ही सरल और मजेदार क्वेश्चन। तीन पोर्शन में से यदि कोई भी दो पोर्शन आपने तैयार कर लिए, तीन पोर्शन कौन कौन से, एक है अपने पास समांतर माध्य, दूसरा है बहुलक और तीसरा है आपके पास माध्यक। तीन में से यदि आपके दो भाग तैयार हैं तो आपसे यहाँ पर चार नंबर का क्वेश्चन 100% बन जाएगा। ठीक है।